अमरपाटन में एक नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है। इस अनोखे नजारे को देखने के लिए नीम के पास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और इसे चमत्कार मानते हुए पूजा पाठ भी शुरू कर दिया। अमरपाटन के गड़ौली के पास एक नीम के पेड़ से पिछले 3 दिनों से दूध जैसा तरल पदार्थ निकल रहा है। इसकी जानकारी होते ही बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं और इसे चमत्कार मानकर नीम के पेड़ की पूजा पाठ भी कर रहे हैं। हालांकि मेहर के बाबा तालाब के पास से भी ऐसा एक मामला सामने आया था जहां हफ्तों तक नीम के पेड़ से दूध टपकता रहा। करीब 15 वर्ष पुराने इस नीम के पेड़ से अचानक सफ़ेद दूध जैसा तरल पदार्थ निकल रहा है। जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों को लगी तो वहां बोतल और अन्य चीज़ें लेकर उसको लाने के लिए पहुँच रहे हैं। पेड़ की लोग पूजा भी कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी भी ग्रामीण इसे चमत्कारी मान रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो इस नीम के पेड़ में जोगनी माता का वास है। लोग इस घटना को जोगनिया माता की कृपा मान के पूजा पाठ कर मुरादे मांग रहे हैं। परसों मेरी देवरानी देखी, यहाँ तो दूध निकल रहा था, तो वो गया लड़का, उसका मुझको बुलाने गया, चलो बड़ी मम्मी दूध निकल रहा था देख लो, तो हम आए तो देखे, तो हम बोले कि इसमें माता रहती है जोगनी माता, तो चलो पूजा पाठ करो सब कोई। तो हम लोग पूजा पाठ करने लगे तो यहाँ और ज्यादा दूध निकलने लगा। पानी तो निकलता है, अब दूध निकल रहा है, कोई दैविक शक्ति है। सुबह से थोड़ा भजन कीर्तन से पूजा पाठ नहला के पूजा पाठ कर रही हैं औरतें जेंट्स भी। यहाँ पास देखा नहीं, एक नीम का पेड़ था, वहाँ से दूध निकल रहा था। मेरी मम्मी लोग बताई, फिर मम्मी से पूछे मम्मी ये क्या होता है, मम्मी बताई नीम के पेड़ में देवी जी रहती हैं, जोगनी माता रहती हैं। फिर मम्मी मेरी पूजा लोग पूजा की, चाची भी की, बड़ी मम्मी लोग सभी कोई की। जैसे जैसे गाँव लोग को सबको पता चलता गए, लोग आते गए, नारियल वगैरह फूल सबको चढ़ाते गए, यही सब हुआ। हाँ बस यही मांगे हैं कि सब शांति से माता रानी रहे, हम सबकी रक्षा करें। हो गया दूध निकल रहा है वहाँ से ऊपर से, बहुत सुबह तो बहुत निकल रहा था, लेकिन अब थोड़ा कम है। अभी हम कभी देखे नहीं है, पहली बार देखे हैं। सब लोग पूजा कर रहे हैं, दूध निकलता है तो माता के एवं द्वारा निकलता होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।